हमने देखा था कि जो दो तरीके के चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमने पढ़े थे वो थे एलएमसीटी एंड एमएलसीटी, और वहां पर आपने देखा कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू लिगेंड और फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, यानी जहां पर डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कई बार कॉन्फ़िगरेशंस जीरो होते हैं तो उस केस में, या फुल फिल्ड होते हैं उस केस में डीडी ट्रांजिशन नहीं होता है, बल्कि कई बार क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड एंड फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। और आपने देखा था कि जो ट्रांसफर होता है वो स्पेशल तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में होगा, कुछ कंडीशंस होंगी जो वो कॉम्प्लेक्स फॉलो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है वो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। मेटल से लिगेंड में कब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर होगा और मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, बहुत कम होगी, जनरली जीरो होती है। और लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होगा, जब जो लिगेंड है वो कैसा होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी सिग्मा डोनर लिगेंड्स की जब हम बात कहेंगे तो एलएमसीटी टाइप ट्रांसफर होगा। और इसके अलावा जो जो मेटल होगा वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो तीसरे तरीके के चार्ज ट्रांसफर की ओर जाएंगे, और जो है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की ओर चलते हैं। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का मतलब है कि जो चार्ज ट्रांसफर है वो एक मेटल से दूसरे मेटल में चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक मेटल आयन से दूसरे मेटल आयन में चार्ज का ट्रांसफर होगा। सो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर यानी एमएमसीटी, और इसी में हम एक और कैटेगरी देखेंगे आईवीसीटी, जिसे हम इंटरवेलेंस ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहां पर किस तरीके के मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, तो मेटल आयन्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसमें दो मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस केस में क्या होता है, मेटल से मेटल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जनरली होता क्या है कि अगर कहीं पर दो मेटल सेंटर है, एक मेटल सेंटर जिस मेटल सेंटर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम है, मान लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कम, और ये क्या करेगा, दूसरे मेटल सेंटर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगी उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में दो तरीके के मेटल आयन्स होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम मेटल आयन विद लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा किस मेटल आयन में, उस मेटल आयन में जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होगी। अगेन आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जो कम वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जो अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो मेटल सेंटर है उसका क्या होगा, रिडक्शन। सो अगेन इट इज अ रिडॉक्स काइंड ऑफ ट्रांसफर, ये रिडॉक्स ट्रांसफर है जहां पर आप देखेंगे कि एक मेटल सेंटर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वहां से इलेक्ट्रॉन हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल सेंटर है वहां वो ट्रांसफर होगा, और उसकी वजह से उस कॉम्प्लेक्स का कलर होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है, देखिए कि जैसे कैसे ये काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है वो कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कैसे होगा, आप देखिए कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर प्लस चार्ज है यानी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहां पर हमने दिखाया है कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो यहां से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहां पर, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला मेटल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो और ये जो ट्रांसफर है ये किसके थ्रू होता है, इट अकर्स थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड, एक ब्रिजिंग लिगेंड होता है, यानी ये एक तरीके से आप देख सकते हैं इट एक्ट्स एज इनर स्फेयर मैकेनिज्म। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो इनर स्फेयर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो जैसा आपने इनर स्फेयर मैकेनिज्म रिएक्शंस, वहां पर आपने रिएक्शंस पढ़ी थी, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा हो रहा है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन मेटल में ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू ब्रिज। तो यहां पर एक मेटल सेंटर का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मेटल सेंटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं एक स्पीसीज जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी,
जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक स्पीसीज ऐसी होगी जिसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अगेन एक बार और मैं आपको दिखा रही हूं कि एम टू है, मान लीजिए एम थ्री प्लस है, तो जब ये एम टू जो है वो एम थ्री प्लस में कन्वर्ट होगा तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक रिड्यूसिंग स्पीसीज होगी, ये एक ऐसी स्पीसीज होगी रिड्यूसिंग स्पीसीज होगी, और जो एम थर्ड है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, ये एक क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होगी, लेकिन इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसका रिडक्शन होगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग सेंटर होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग सेंटर होगा। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग सेंटर है जिसका रिडक्शन होने वाला है, और ये एक रिड्यूसिंग सेंटर है जिसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो कम वाला जो सेंटर है उसका ऑक्सीडेशन होना है, इसलिए वो एक रिड्यूसिंग सेंटर है, वो एक रिड्यूसिंग रिड्यूस करेगा वो दूसरी स्पीसीज को। तो इस तरीके से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरीके से होगा, एक जो मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें दो वैलेंस स्टेट में मेटल सेंटर प्रेजेंट है। यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं, आपने प्रशियन ब्लू पढ़ा होगा, और प्रशियन ब्लू में आपने देखा होगा एग्जांपल है, प्रशियन ब्लू सोल्युबल फॉर्म में इस फॉर्म में रहता है, फेरिक फेरोसाइनाइड जिसे हम कहते हैं, और इनसोल्युबल फॉर्म में वो इस तरीके से रहता है, इसको भी हम फेरिक फेरोसाइनाइड कहते हैं। और फेरिक फेरोसाइनाइड के दो फॉर्म है, एक सोल्युबल और एक इनसोल्युबल, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जो आयरन सेंटर है वो थर्ड है और दूसरा आयरन सेंटर क्या है, सेकंड है। तो दो आयरन सेंटर हैं, दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर ट्रांसफर होगा थ्रू दिस CN माइनस लिगेंड। इस CN माइनस लिगेंड की थ्रू ये ट्रांसफर होगा, और इस समय जो CN है वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। यहां पर आप फर्दर देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है, ये जो Fe2 है ये C से जुड़ा हुआ है, और जो Fe3 है वो N से जुड़ा हुआ है CN के। तो ये जो लिगेंड है इट एक्ट्स एज ब्रिजिंग लिगेंड, एंड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर फ्रॉम दिस Fe2 सेंटर टू दिस Fe3 सेंटर, सो दैट इट विल रिड्यूस टू Fe2 एंड इट विल ऑक्सीडाइज टू Fe3। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एक मेटल सेंटर से दूसरे मेटल सेंटर में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दो तरीके के मेटल आयंस प्रेजेंट हैं, और ये मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन कम है और एक में अधिक है। तो इस जो प्रशियन ब्लू कलर है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का, दिस इज ड्यू टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब यहां पर एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, कुड्स टैबो आयन, जहां पर ये रुदेनियम का कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैरोल क्रूड्स ने एंड हेनरी टैब ने ये सिंथेसाइज किया था और डिस्कवर किया था, और उसकी वजह से उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिस्कवरी करी उन्होंने इसके ऊपर, और उसके लिए उसको उनको नोबेल प्राइज दिया गया, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, क्रूड्स एंड टैब आयन। यहां पर आप देखेंगे एक रुदेनियम सेंटर जो है वो सेकेंड है, और दूसरा रुदेनियम सेकेंड जो सेंटर है वो थर्ड है, और ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है इस ऑर्गेनिक ब्रिजिंग लिगेंड की थ्रो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है Ru सेकंड से Ru3 में ये ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, और ये जो सेंटर है ये थर्ड में ऑक्सीडाइज होता है, और ये जो सेंटर है वो सेकंड में रिड्यूस होगा। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं। फिर आप देखेंगे हम इन जो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसी कैटेगरी जहां पर आपको दो स्टेट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन तो नहीं दिखेगा, और कोई इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में, लेकिन वहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे Pb3O4 है, ये एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, और यहां पर आप देखेंगे कि एक तो PbO3 यानी यहां पर Pb जो है उसके ऊपर 2+ चार्ज है, ये पिरामिडल फॉर्म में अरेंज रहता है यहां पर PbO3, और जो PbO6 एक यूनिट और होगी जो कि ऑक्टाहेड्रल की फॉर्म में होगी, और यहां पर Pb के ऊपर जो है वो 4 चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक 2 है और एक 3 है, और तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा 2 से 4 में, बट
यहां पर जो पीबी और पीबी के बीच में कोई ऐसा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन आपको नहीं दिखेगा, तो एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी आप देखेंगे सेमीकंडक्टर, जैसे Fe3O4 है, आपने प्रशियन ब्लू पढ़ा, आपने एक MN का कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें एक MN सेंटर 3 है और एक MN सेंटर 4 है। रुदीनियम का कॉम्प्लेक्स जो आपने क्रूड जो टैबे जो कॉम्प्लेक्स पढ़ा वहां पर आपने देखा एक रुदीनियम सेकंड सेंटर है, एक थर्ड सेंटर है, ऐसे ही Fe3O4 में एक सेंटर 2 है, एक 3 है। तो यहां पर Fe6 ऑक्टाहीड्रा होते हैं, Fe4 टेट्राहीड्रा होते हैं, Fe6 ऑक्टाहीड्रा भी प्रेजेंट होते हैं। तो लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो दो सेंटर हैं उन सेंटर के बीच में एक लिगेंड प्रेजेंट है, उस लिगेंड के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर आयरन और आयरन के बीच में साइनाइड था और उसके थ्रू क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा था। ऐसे ही ये जो कॉम्प्लेक्सेस है इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन जो है वो ब्रिज की तरह काम करेगा और यहाँ पर पार्शियल इंटरेक्शन होता है। डायरेक्ट इंटरेक्शन तो यहाँ पर भी नहीं है मेटल मेटल का, लेकिन पार्शियल इंटरेक्शन है थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हो सकती है जहां पर दो वैलेंस जो स्टेट्स होती है उनके बीच में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है, यानी एकदम जुड़े हुए होता है, ये कंडक्टर्स होते हैं। जैसे ये सोडियम का टंगस्टन कॉम्प्लेक्स है, टंगस्टन ब्रॉन्ज है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो सोडियम से टंगस्टन में डायरेक्ट होता है, तो कंप्लीट वैलेंस डीलोकलाइजेशन होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर होता है और ये एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मेटल टू मेटल ट्रांसफर के लिए जरूरी नहीं है कि दो मेटल सेंटर्स के बीच में कोई इंटरेक्शन हो, जरूरी है कि पार्शियल इंटरेक्शन हो सकता है थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड और मे बी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है दो मेटल आयंस के बीच में और वहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो सकता है। अब आप कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हम देखेंगे जहां पर आप देखेंगे कि मेटल मेटल बॉन्ड है और यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा है इसको हम इंटरवेलेंस चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। इंटरवेलेंस मींस यहाँ पर आप देखेंगे दो सेंटर हैं MnMn, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहाँ पर जो मेटल सेंटर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल सेंटर की दोनों की सेम है, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऑफ मेटल से मेटल सेंटर, एक मेटल सेंटर के सिग्मा से दूसरे मेटल सेंटर के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, एक मेटल सेंटर के पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, एक मेटल सेंटर के डेल्टा से डेल्टा स्टार में ट्रांजिशन होता है। क्योंकि हम इसको एक तरीके से हम इसको मेटल टू मेटल तो कह रहे हैं, मेटल टू मेटल तो ये है, लेकिन ये मेटल टू मेटल वैसा नहीं है जिसमें कि दो तरीके के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ये इंटरवैलेंस टाइप का जो ट्रांसफर है ये इसकी वजह से यहाँ पर जो कलर है इन कॉम्प्लेक्सेस का वो ब्राइट होता है। जो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है वो ब्राइट येलो है, रीनियम का डीप ब्लू है, कोबाल्ट का पर्पल ब्लैक है, चेरी रेड एंड गोल्ड। तो यहाँ पर जो मेटल टू मेटल ट्रांसफर होते हैं वो पर्टिकुलर मेटल के एक ऑर्बिटल से दूसरे पर्टिकुलर मेटल ऑर्बिटल में होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो रेडॉक्स टाइप का तो हम इसे नहीं कह रहे, रेडॉक्स टाइप का नहीं है ये, बट मेटल टू मेटल ट्रांसफर है, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर इसे हम कहते हैं। ये तो खैर जिस्ट है कि जिसमें हमने देखा था, एक ही डायग्राम में हम दिखा पा रहे थे कि जो LMCT है और MLCT वो कैसे डिफरेंट है। देखिए यहां पर एकदम एंटायरली डिफरेंट है, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो हमने जो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर पढ़ा है वो बिल्कुल अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस में है, वहां पर है जहां पर मेटल की दो वैलेंस स्टेट पाई जाती है। तो लोअर वैलेंस स्टेट से हायर वैलेंस स्टेट में ट्रांजिशन होगा, यानी एक जो जो रिड्यूसिंग सेंटर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग सेंटर को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस तरीके से इन कॉम्प्लेक्सेस का कलर होता है। और एक डिफरेंट कैटेगरी आपने देखी कि जहां पर आपने देखा कि मेटल और मेटल के बीच में ट्रांसफर होता है, बट इट इज इन बिटवीन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन, और इसकी वजह से इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर की वजह से इन कॉम्प्लेक्सेस का क्या होता है, कलर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ये आपने मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा कि मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिगेंड टू लिगेंड। तो लिगेंड से लिगेंड में भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए भी कंडीशंस हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पर लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके,
यहीं पर इसको हम खत्म फिनिश करते हैं इस लेक्चर को, इस पार्ट को. दूसरा लेक्चर जो हम है लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू. अब आप देखिए यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर आप देखेंगे यहां पर मैंने इंट्रा लिगेंड ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखा है, लेकिन जो लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है वो दो तरीके का आपको दिखाई देगा, एक इंटर लिगेंड दिखाई देगा और एक इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर दिखेगा. तो दो तरीके के आपको चार्ज ट्रांसफर यहाँ पर दिखेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनका कलर होता है लिगेंड से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर की वजह से. ठीक है, तो यहां पर लेकिन क्या कंडीशन है, अब देखिए कंडीशन है कि यहां पर दो तरीके के लिगेंड होने चाहिए, या तो दो तरीके के लिगेंड, मतलब दो तरीके के लिगेंड में, या तो एक सिंगल लिगेंड में पार्ट हो सकता है, एक पार्ट जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक पार्ट जो इलेक्ट्रॉन देगा. या तो दो लिगेंड ऐसे हो सकते हैं कि एक लिगेंड तो एक्सेप्ट करे और दूसरा लिगेंड डोनेट करे, या फिर एक ही लिगेंड के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं, एक पार्ट एक्सेप्ट करे और एक पार्ट क्या करे, डोनेट करे. तो अगर ऐसा एक लिगेंड के अंदर है देन इंट्रा लिगेंड ट्रांसफर होगा, और अगर दो लिगेंड ऐसे हैं, एक एक्सेप्टर एक डोनर है, तो इंटर लिगेंड ट्रांसफर होगा. तो दो तरीके के आप देखेंगे. तो मैंने आपसे कहा कि एक जो रिड्यूसिंग सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर भी आप देखिए कि यहां पर बीच में एक मीडिएटर आ गया है, और वो मीडिएटर क्या है, मेटल. तो ये इंटर इंटर लिगेंड जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो बीच में एक मेटल जो है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जैसे मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में लिगेंड एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए ब्रिज की तरह एक्ट करेगा दो लिगेंड के बीच में एक मेटल सेंटर, अगर हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. तो आप देखिए कि यहां पर जनरली जो डोनर लिगेंड्स होते हैं उनमें देखिए नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है. डोनर लिगेंड्स में एक्स माइनस यानी हैलाइड्स हो सकते हैं, थायोलेट्स हो सकते हैं, कार्बन आयन हो सकते हैं. और जो एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं जनरली बाइपायरेडाइल है, पोरफायरिंस है. तो ये जो एक्सेप्टर लिगेंड है ये वो लिगेंड है जिनके पास आप देखेंगे कंजुगेटेड पाई सिस्टम होता है. तो कंजुगेटेड पाई सिस्टम जहां पर होगा वहां पर वो एक्सेप्टर लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं. तो दो तरीके के जब हम इंटर लिगेंड ट्रांसफर की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि एक डोनर लिगेंड होगा, एक एक्सेप्टर लिगेंड होगा. जो डोनर लिगेंड होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें चार्ज हमने नेगेटिव दिखाया है. और जो एक्सेप्टर लिगेंड होंगे उनमें क्या होंगे, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे. तो क्योंकि आप जानते हैं कि जो क्रोमोफोर्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में भी आप जानते हैं कि जो लिगेंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं लाइट को और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो करते हैं. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा क्रोमोफोर्स के बारे में. तो क्रोमोफोर्स क्या है, वो लिगेंड्स हैं जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे, वो कंपाउंड्स हैं जहां पर डबल बॉन्ड दिखाई देंगे. तो जैसे आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स के मैं डिफरेंट एग्जांपल दे रही हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं दो तरीके के लिगेंड हैं इस कॉम्प्लेक्स में, एक बाइपायरेडाइल है और एक हैलाइड है. तो यहां पर जो हैलाइड होगा वो क्या करेगा, डोनर की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बाइपायरेडाइल को. तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, कलर होगा. ओके, फिर आप देखिए यहां पर आप देखेंगे कि जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सेंटर है ये डोनर सेंटर है और ये जो सेंटर है वो एक्सेप्टर सेंटर है. ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है, अब आप देखिए अगेन ये जो C2H5 है ये एक डोनर सेंटर होगा और ये एक एक्सेप्टर सेंटर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटर लिगेंड टू लिगेंड ट्रांसफर, इंटर लिगेंड चार्ज ट्रांसफर. यहां पर देखिए आप, यहां पर एक लिगेंड ये प्रेजेंट है
और एक लिगेंड ये प्रेजेंट है। तो ये दोनों में से एक लिगेंड डोनर की तरह एक्ट करेगा और एक एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। ये जो मेटल सेंटर है ये यहाँ पर ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो गया तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था और इस वाले लिगेंड के अब ये डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गए। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग इंटरवेलेंस ड्यूरिंग इंटरलिगेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ये जो चेंज आया इस लिगेंड में ये है। तो इस चेंज की वजह से ही इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे दे आर कलर्ड। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सेंटर है जिसमें नाइट्रोजन है और एक सेंटर जिसमें सल्फर है। तो इसमें से एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर पार्ट होगा इस लिगेंड का। तो अगर इस तरीके के कॉम्प्लेक्स होंगे तो उनका कलर जो है वो लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये जो मेटल सेंटर है वो निकिल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकिल मेटल सेंटर है और ये जो ट्रांसफर है वो एस जो साइट्स हैं वो डोनर साइट्स की तरह एक्ट करती हैं और एक्सेप्टर साइट जहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और इसकी वजह से ही इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का कलर होगा। निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके कलर का कारण क्या हो गया लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अब देखिए एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स देखिए तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां पर एक ही लिगेंड है और इस ये पूरा एक लिगेंड है। देखिए इस लिगेंड में एक लिगेंड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीके का जो जो ट्रांसफर है वो इंट्रा लिगेंड ट्रांसफर कहलाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर NR2 है, यहाँ पर जो R है इज मे बी PH और R मे बी ME, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम होगा। और ये लार्सन एट ऑल ने 2014 में ये सिंथेसाइज किया था कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर था वो किसकी वजह से उन्होंने बताया कि ये जो पार्ट है लिगेंड का यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इस पार्ट में, तो इसलिए ये डोनर की तरह एक्ट करता है लिगेंड का पार्ट और ये जो है एक्सेप्टर लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है। नेक्स्ट ये जो कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का ये भी कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है और यहां पर जो अगेन जो कॉम्प्लेक्स का कलर है इट इज ड्यू टू इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर। इंट्रावेलेंस चार्ज ट्रांसफर होता है यहाँ पर जो नेफ्थाइलमीन है जो ये लिगेंड है ये लिगेंड के अंदर इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। जो ये N है ना जो एमीन ग्रुप का यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करेगा तो ये डोनर साइट है और ये कार्बन जो है एक्सेप्टर साइट है, इस वजह से इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का कलर होता है। तो जो कलर है कॉम्प्लेक्स का वो अलग अलग कारणों से होता है, अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कारण है वो है इंट्रा लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसी तरीके से आप देखेंगे जो रेड कलर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का होता है इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो यहां पर भी इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर होता है क्योंकि ऑक्सीहीमोग्लोबिन को अगर आप देखेंगे तो उसमें पोरफायरिन रिंग्स होती हैं और पोरफायरिन रिंग्स के केस में आप देखेंगे दे आर हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी है और एन भी है, सेंटर भी है वहां पर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वहां पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है रेड होता है। अब इसको हम एक बार समराइज करेंगे कि इस लिगेंड टू लिगेंड जो ट्रांसफर है उसमें हमने क्या देखा। तो आपने देखा कि जब भी लिगेंड टू लिगेंड ट्रांसफर होगा वो दो तरीके से होगा, एक इंट्रा लिगेंड ट्रांसफर और एक होगा इंटर लिगेंड। तो ये जो एग्जांपल है वो इंटर लिगेंड ट्रांसफर का है कि एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड में ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर जो ट्रांसफर है वो इंट्रा लिगेंड टाइप का है कि एक लिगेंड के एक पार्ट से लिगेंड के दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है जो ट्रांसफर है वो हो रहा है, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का कलर होता है। ओके, अब जब हमने सारे तरीके की जो ट्रांसफर है वो पढ़ ली है,
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करते हैं। स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं वो LMCT की बात कर रहे हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की, जहां पर आप अगेन लिगेंड टू मेटल के लिए क्या जरूरी है, इसके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास कमी कब होगी, जब ये अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और लिगेंड क्या होना चाहिए, डोनर होना चाहिए। अच्छा, तो ये क्या है, सिग्मा डोनर लिगेंड। तो अगेन हम देख रहे हैं कि LMCT में क्या होगा कि दो कंडीशंस हैं कि जो मेटल है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है और जो लिगेंड है वो एक अच्छा सिग्मा डोनर लिगेंड हो। ओके, अब देखिए कि ये जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा है, और कई बार हम कलर भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी, वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिगेंड के ऑर्बिटल से मेटल के ऑर्बिटल में हो रहा है, तो लिगेंड के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है और मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, इस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो आप देखिए कि अगर मेटल और लिगेंड के बीच में इतना कम गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बड़ा आसान होगा, इतना ही एनर्जी का गैप है। और अगर ये गैप बढ़ जाएगा, अगर ये एनर्जी गैप बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मुश्किल हो जाएगा। तो ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, ये मेटल का ऑर्बिटल है, ये बढ़ गया गैप तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल होगा उतना कम इंटेंस कंपाउंड का कलर होगा, उतनी कम इंटेंसिटी होगी। अगर ये गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, आसान होगा, कम एनर्जी की जरूरत है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने के लिए। तो लिगेंड से मेटल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो आसानी से ट्रांसफर होगा, और जितनी आसानी से ट्रांसफर होगा उतना इंटेंस कलर होगा कंपाउंड का। तो आपको एक चीज ये बहुत जरूरी ध्यान देनी है कि एक तो होगा लिगेंड का ऑर्बिटल और एक होगा मेटल का ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये गैप जो है लिगेंड और मेटल के बीच में जितना कम होगा उतना आसान है ये ट्रांसफर, उतना आसान है, और ये ट्रांसफर उतना ही मुश्किल है। मुश्किल है मतलब कठिन तो नहीं है, मुश्किल है। तो यहां पर क्या होगा, हाई एनर्जी चाहिए, और हाई एनर्जी चाहिए तो ये जो कॉम्प्लेक्स है दीज आर नॉट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, कम कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे, और ये जहां पर ये डिफरेंस कम होगा वो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आसान है, इसलिए ये क्या होंगे, इंटेंस कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अब ये जो गैप है ना, ये गैप को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि लेसर द गैप इजी ट्रांजिशन, जितना कम गैप होगा उतना आसान ट्रांजिशन होगा, और उतना ही स्पेक्ट्रम जो है वो विजिबल रीजन की ओर को शिफ्ट होगा, और कलर क्या होगा, इंटेंस होगा। अब ये जो गैप है इसको कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो उसी पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम देखते हैं दो फैक्टर्स मेन है, क्योंकि अगेन हम कहेंगे अगर बात मेटल कॉम्प्लेक्स की तो उसमें दो ही तरीके की चीजें हैं, एक तो है मेटल और दूसरा है लिगेंड, दो सेंटर है। तो या तो मेटल का नेचर अफेक्ट करेगा या लिगेंड का नेचर अफेक्ट करेगा, तो इसलिए दो फैक्टर हैं जो कि इस गैप को अफेक्ट करने वाले हैं, वो है मेटल का नेचर एंड लिगेंड का नेचर। ओके, तो ये नेचर कैसे अफेक्ट करेंगे, तो आप देखिए मेटल का नेचर, अगर हम मेटल का नेचर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मेटल सेंटर की, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही। अब आप याद करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को याद करिए, आप दो को याद करिए, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ओके, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है और कार्बन का साइज क्या है, बड़ा है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ये जो है ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब इसके जो ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी न्यूक्लियस के नजदीक। तो इनकी क्योंकि छोटा है इसलिए एनर्जी है वो कम होगी, एनर्जी कम होगी तो यानी इसके जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी कम होती है, इसके जो ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी अधिक होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी अधिक होगी मेटल सेंटर की उतना छोटा साइज होगा, ठीक है, उतना छोटा साइज होगा, और जितना छोटा साइज होगा उतना जो मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। और जैसे मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, आप ये देखिए मेटल के ऑर्बिटल की एनर्जी जैसे ही कम होगी वैसे ही डिफरेंस कम हो जाएगा, और जैसे डिफरेंस कम होगा आसानी ट्रांजिशन आसान होगा और इंटेंस कलर होगा। क्यों होगा अभी आप देखेंगे, देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक मेटल सेंटर है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाई है,
ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे की है। अब हम ये दिखा रहे हैं कि एक जो लिगेंड ऑर्बिटल की एनर्जी यहां पर है और मेटल के जो ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी यहां पर है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, इसका इसके ऊपर चार्ज अधिक है, चार्ज अधिक है तो ये इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के पास होंगे अधिक, तो इसके जो मेटल है, मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, देखिए ईजी एंड टी टू जी, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो एनर्जी यहां थी, जो एनर्जी यहां थी, क्योंकि इसके ऊपर कम ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एनर्जी यहां थी, वो एनर्जी घट के नीचे आ गई, क्योंकि जो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का सेंटर है वो उसके जो ऑर्बिटल्स है वो न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक थी उनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होने की वजह से क्या हुआ, ये गैप देखिए कम हो गया। लिगेंड के ऑर्बिटल की एनर्जी तो वहीं पर रही क्योंकि लिगेंड एक से, हम किन को कंपेयर कर रहे हैं, केवल मेटल सेंटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इनके साथ जो लिगेंड अटैच्ड है वो एक से है, इसलिए लिगेंड के ऑर्बिटल्स की एनर्जी वहीं पर है, लेकिन जो मेटल सेंटर है वो अलग अलग है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इसलिए जिसकी कम है उसके ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक है और जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है। तो ये कम हो गई, तो ये देखिए ये ऑर्बिटल और मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल है उनके बीच का गैप क्या हो गया, कम हो गया, और इधर जो है लेफ्ट साइड पर ये जो गैप है ये बढ़ गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये आसान है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इंटेंस कलर का होगा और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या होगा, लेस इंटेंस कलर का होगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं, क्रोमेट है, देखिए क्रोमेट, क्रोमेट जो है CrO4 2 नेगेटिव, इट इज येलो इन कलर, और MnO4 नेगेटिव, इट इज पर्पल इन कलर। तो यहाँ पर आप देखिए जो Mn है उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो क्रोमियम है उसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +7 होने की वजह से जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जो क्रोमियम के ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए यहां पर जो ट्रांसफर है वो आसान होगा और ये डार्क कलर का होगा और ये क्या होगा, हल्के कलर का होगा। तो ये हम समझा सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के कलर क्यों अधिक है, क्यों कम है। अब दूसरा देखिए, अगेन साइज, साइज भी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से कोरिलेटेड है। तो साइज ऑफ मेटल, तो मेटल का साइज अगेन अब आप समझ सकते हैं कि मेटल का साइज जितना छोटा होगा, क्योंकि उसके ऊपर जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना छोटा साइज होगा, जितना छोटा साइज होगा उतना आसान होगा, उतना ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इसलिए छोटे साइज के जो मेटल आयंस होंगे वो इंटेंस कलर के होंगे और जो बड़े साइज के होंगे वो लेस इंटेंस कलर के होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिये, यहां पर हमने ये किया है कि जो सी है उसका साइज सबसे छोटा है, जो बी है उसका साइज सी से बड़ा है और ए का साइज सबसे बड़ा है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जो ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है मेटल के ऑर्बिटल की वो यहां है, और जैसे साइज छोटा हुआ ऑर्बिटल के जो एनर्जी है वो देखिए कम हो गई मेटल की, और यहां और कम हुआ जब साइज तो और कम हो गई। तो ये जैसे ही मेटल की जो एनर्जी है वो कम हुई आयंस के ऑर्बिटल्स की, और लिगेंड की और एनर्जी तो वहीं पर है क्योंकि लिगेंड वही है, सेम है, तो इसलिए ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। इस गैप के कम होने से ये अधिक इंटेंस है, ये कम इंटेंस है, और ये अधिक, ये सबसे कम इंटेंस होगा कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम साइज पर फोकस कर सकते हैं, मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पर फोकस कर सकते हैं कि कैसे वो अफेक्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को भी। तीसरा जो फैक्टर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और आप देखेंगे जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा मेटल सेंटर का, जैसे वो 3D से 4D गया, 4D से 5D गया, तो आप देखेंगे एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है। देखिए एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो 5D ऑर्बिटल्स हैं, अगेन आप ये भी जानते हैं, एक तो साइज से भी हम जानते हैं कि जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, जो उसके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनका साइज बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी। फिर आप देखिए यहां पर जैसे ही 4D सीरीज होगी उनके साइज छोटे होंगे, और जो 3D है उनके और भी छोटे होंगे, तो n पर भी डिपेंड करता है। और आप देखेंगे 3D सीरीज के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सबसे ज्यादा कलर्ड होते हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सेस की कलर की इंटेंसिटी होती है सबसे डार्क होते हैं, और जो 5D के मेंबर्स होंगे वो लगभग कलरलेस होते हैं। देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं यहां पर, जो उनके जो एनायंस हैं MnO4, अब आप देखिए 3D सीरीज है ये, MnO4 क्रोमेट और वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स है जो ऑक्साइड है, देन टेक्नीशियम, यहां से देखिए 3D 4D एंड 5D सीरीज। अगर हम कॉम्प्लेक्स की इंटेंसिटी देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर कलर की इंटेंसिटी कम हो
होती है, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, हायर होगी, और गैप हायर होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए VO4-3 नेगेटिव जो है वो कलरलेस होता है जनरली। और अगर आप देखेंगे MnO4 इट इज पर्पल इन कलर, क्रोमेट को देखेंगे येलो इन कलर। और अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं 3D to 5D सीरीज, तो आप ये देखेंगे कि MnO4 सबसे ज्यादा डार्क कलर का है और REO4 जो है वो कलरलेस है। यानी जैसे जैसे हम सीरीज में 3D to 5D जाएंगे, 4D जाएंगे, 4D to 5D जाएंगे, तो आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ द कलर विल डिक्रीज। इंटेंसिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा कि जो रीनियम का जो साइज है वो इंक्रीज होगा, और रीनियम का साइज इंक्रीज होने की वजह से आप देखेंगे कि वहां पर गैप पड़ेगा, और गैप पड़ने से क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो मुश्किल होगा। तो ये जो सीरीज है वो काफी आती है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है कि भाई इनमें से बताइए कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा इंटेंस होगा। तो यहां से जब हम बॉटम से टॉप की ओर जा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, साइज ऑफ द मेटल सेंटर एज वेल एज दी मेटल सेंटर्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, यानी 3D सीरीज का है या 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का है। और आप देख सकते हैं कि जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, एक से है, सब में क्या है, ऑक्साइड लिगेंड्स हैं, तो एक से लिगेंड इसमें प्रेजेंट है। तो कंपेयर हम किसको कर रहे हैं, केवल मेटल सेंटर को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, देन ये आप देख सकते हैं, अगेन वही सीरीज आपको दिखाई है LMCT D09 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन जो MnO4 है वो सबसे डार्क कलर का है, और यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम है, और यहाँ पर एनर्जी गैप क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका भी अधिक है और इसका भी अधिक है एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप जो LMCT एनर्जी है उसको हमने दिखाया है। अगर हम हैलाइड्स की बात करें, कोबाल्ट का हैलाइड है और निकल का हैलाइड है, तो निकल का साइज छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर LMCT एनर्जी कम है और यहाँ पर LMCT एनर्जी क्या है, अधिक है। तो ये डिपेंड करती है कि मेटल सेंटर कैसा है, या क्या उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, क्या उसका साइज बड़ा है, या वो 5D सीरीज का है, तो LMCT एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। ओके, देन एक और फैक्टर है मेटल का, वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि ये तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट एक सी है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन के भरने का जो क्रम है वो अलग अलग तरीके का है। अगर मैं जिरकोनियम को कहूं तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 42 होता है, तो यहाँ पर मेटल के इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। अगर हम साइज वाइज देखेंगे तो ये साइज जो है ऐसे डिक्रीज होता है, लेकिन साइज डिक्रीज होता है तो यहां पर क्या होना चाहिए, सबसे इंटेंस कलर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखिए यहां पर जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम है, ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप देखिए, ये एनर्जी गैप देखिए, और ये एनर्जी गैप देखिए, तो आप देखिए ये एनर्जी गैप सबसे कम है, लेकिन फिर भी यहां पर जो LMCT एनर्जी है वो हायर होती है इसके कंपैरिजन में। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का अंतर है। आप देखिए यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है 4D2 है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहां भर गए, यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4D4 है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे फिल हो गए। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां फिल हो जाएंगे। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है लिगेंड से मेटल, तो लिगेंड से मेटल में या T2G में हो जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि ये खाली है। यहां से भी यहां खाली हो जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि ये सिंगल हाफ फील्ड है, तो यहां से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या T2G में हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो T2G में नहीं हो पाएगा, क्योंकि T2G फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होगा, EG में। और अगर आप ये डिफरेंस देखेंगे EG से लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल का जो डिफरेंस है वो देखेंगे तो वो अधिक है। इसलिए कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग भी अफेक्ट करती है, जबकि साइज जो है वो छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी LMCT की एनर्जी क्या हो सकती है, हायर हो सकती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस तरीके से है कि वो T2G सेट खाली नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां होगा, EG में होगा। तो इसलिए आप ये देख सकते हैं जो ये साइन लगाया हुआ है कि ये इसके LMCT एनर्जी अधिक है, इसकी कम है, और इसकी इससे भी कम है। तो ये क्यों है, ये अंतर है ड्यू टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंस इन द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल सेंटर। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन एलएमसीटी के एनर्जी का क्रम देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये डिफरेंट टाइप का अगेन यहाँ पर मेटल का साइज जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो एलएमसीटी एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ पर एलएमसीटी एनर्जी उससे कम है और यहाँ पर उससे भी कम है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर मेटल सेंटर का साइज क्या है या वो किस सीरीज का मेटल सेंटर है। अब आप देखिए जो दूसरा फैक्टर है वो है लिगेंड। तो लिगेंड का नेचर भी अफेक्ट करता है इस गैप को, ये गैप को लिगेंड का नेचर भी अफेक्ट करता है। तो ये अगर आप देखेंगे F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एंड आई माइनस, तो आप ये देखेंगे क्योंकि F माइनस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक है तो इसके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये इसके इसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी इससे अधिक होगी, यानी जो आई माइनस है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो अब आप देखिए एक मेटल सेंटर है, मेटल सेंटर क्या है, मान लीजिए मेटल नहीं, हम देखते हैं ये कि मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो यहां पर थी, ओके, और जो लिगेंड के ऑर्बिटल की एनर्जी थी वो यहां पर थी। ये लिगेंड है, ये मेटल सेंटर है। अब ये लिगेंड जो है हमने ले लिया मान लीजिए एफ माइनस, ठीक है। अब हम लेते हैं आई माइनस को, तो आई माइनस को अगर हम देखेंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। लिगेंड की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, लेकिन जो मेटल के ऑर्बिटल है वो वहीं पर होंगे। तो यहां पर क्या है, आई माइनस लिगेंड है। तो आप देखिए कि जब आई माइनस लिगेंड होगा तो उसके लिगेंड के ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कम है। और जो एफ माइनस होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो कम होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहां पर देखिए एनर्जी गैप बढ़ गया और यहां पर देखिए एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर आई माइनस लिगेंड होगा तो वहां पर एनर्जी गैप कम होगा, और अगर एफ माइनस लिगेंड होगा तो वहां पर एनर्जी गैप अधिक होगा। तो यानी यहां पर ट्रांसफर इजी है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनमें कि आयोडाइड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा वो डार्क कलर के होंगे, और जहां पर ये फ्लोराइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड होंगे वहां पर ये डार्क कलर के नहीं होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स दिए हुए, तो COCl4 है, COBr4 है एंड COi4 है। यहां पर अगर हम LMCT का गैप देखें, उसकी एनर्जी देखें, तो सबसे कम एनर्जी इस कॉम्प्लेक्स की होगी, यानी सबसे डार्क कलर का होगा, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि लिगेंड की जो ऑर्बिटल की एनर्जी है सबसे अधिक यहां पर है। अब देखिए यहां पर हम कंपेयर करके दिखा रही हूं मैं एक एग्जांपल आपको कि CONH3O5Br है और एक CONH3O5I है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स हम ये समझ लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये समझ लेते हैं। तो अगेन जो Br के बीच में आप देख रहे हैं कि लिगेंड की एनर्जी यहां है, ग्रुप ऑर्बिटल्स की एनर्जी, और यहां I के केस में ये एनर्जी क्या है, हायर है। तो ये गैप कम हो गया, ये गैप कम हो गया, तो ये एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो आप देख रहे हैं कि आई जहां पर है वहां पर LMCT एनर्जी कम है और यहां पर LMCT एनर्जी अधिक है, और एफ होगा तो ये एनर्जी गैप और अधिक होगा। तो इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे ये थोड़े से इंटेंस होंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स होंगे थोड़े क्या होंगे, वीक कम इंटेंस कलर के होंगे। और इसी के एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो COBr2 और COCl2 एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहां पर लिगेंड और मेटल के बीच का गैप अच्छा खासा है। तो जो ट्रांसफर है वो ब्रोमीन से कॉपर में होता, जो ब्रोमाइड है वहां से कॉपर के उसमें होगा जो मेटल ऑर्बिटल है, लेकिन जो ट्रांसफर है वो केवल ट्रांसफर होगा, फिर वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो COi2 है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि COi2 के केस में क्या होता है कि जो आई जो है वो इतना उसकी हायर एनर्जी होती है कि इट परमानेंटली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, ये परमानेंटली डोनेट करता है। और परमानेंटली डोनेट जब ये कर देता है तो आप देखेंगे ये COi की फॉर्म में रहता है, COi2 की फॉर्म में नहीं होता। तो ये डिफरेंस है कि I2 आयोडाइड की एनर्जी इतनी हाई होती है कि ये गैप इतना कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन परमानेंटली ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए COi2 एग्जिस्ट नहीं करता है, COi एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आप बहुत सारे इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व हो गए हैं कि ये क्यों इंटेंस कलर का, ये इंटेंस कलर का नहीं है, क्यों COi2 एग्जिस्ट नहीं करता है, COBr2 एग्जिस्ट करता है, COCl2 एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसी पार्ट में इन्वॉल्व हो गए कि जहां पर आपने देखा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो LMCT की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, जितनी हाई एनर्जी उतना इंटेंसिटी कम, क्योंकि उतना ही मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, ओके। तो लोअर द LMCT एनर्जी मोर इजीली L ऑक्सीडाइज। तो यहां पर
अगेन आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, एफ ई एफ थ्री है, एफ ई सी एल थ्री है, एफ ई बी आर थ्री है, एफ ई आई थ्री है. तो यहां पर आप देखेंगे एफ ई आई थ्री एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते होंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है. और जो इनका कलर है, इनका कलर ड्यू टू एल एम सी टी ट्रांसफर है. एफ ई बी आर थ्री का रेड ब्लैक कलर है, एफ ई सी एल थ्री का ब्राउन कलर है, और एफ ई एफ थ्री का लाइट ग्रीन कलर. और आप देख सकते हैं सबसे इंटेंस जो कलर है वो एफ ई बी आर थ्री का है, क्योंकि यहां पर जो लिगेंड के ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सबसे अधिक होगी और ये जो गैप है वो सबसे कम हो जाएगा एलएमसीटी एनर्जी का. तो इस वजह से अगेन आप देखिए दूसरा एग्जांपल एचजीसीएल2 है, एचजीबीआर2, एचजीआई2 है. एचजीआई2 इज रेड इन कलर और जो एचजीबीआर2 है ये येलो है और एचजीसीएल2 व्हाइट है. तो जहां पर आई होगा वो इंटेंस कलर का होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर जो आई के जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो काफी हाई है और मेटल और लिगेंड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है. ओके, तो एलएमसीटी जो स्पेक्ट्रा है जनरली सारे कॉम्प्लेक्सेस में होता है. और डीडी ट्रांजिशन के साथ साथ कई कॉम्प्लेक्सेस में एलएमसीटी भी होता है और अधिक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का वहां पर हमें कॉम्प्लेक्स भी मिलता है और पीक्स भी उसकी मिलती है. क्योंकि जनरली जो जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है वहां पर, वो स्पिन अलाउड एज वेल एज लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं. क्योंकि ट्रांजिशंस जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में हो रहा है तो इसलिए वो स्पिन अलाउड भी है और लेपर्ड अलाउड ट्रांजिशंस भी है. सो दे आर इंटेंस कलर्ड कंपाउंड्स. और आपने देखा जो एलएमसीटी एनर्जी है वो मेटल और लिगेंड की रेडॉक्स प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है. मेटल कैसा है, अगर मेटल जो है वो आपने देखा कि अगर मेटल जो है वो उसकी छोटा साइज है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है, वो 3D सीरीज का है तो वो इंटेंस कलर के कॉम्प्लेक्स होंगे. लिगेंड आपने देखा अगर लिगेंड की जो 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 उसका साइज है अगर वो छोटा है तो वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो एनर्जी गैप बढ़ गया और वो कम कलर का कॉम्प्लेक्स हो गया. तो आप देखेंगे कि जितनी कम एलएमसीटी एनर्जी होगी उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग करेक्टरिस्टिक होगा. तो इजिली जो है वो मेटल रिड्यूस हो जाएगा और लिगेंड जो है वो उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. ओके, तो और जो मेटल होगा वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग होगा, वो लिगेंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिफरेंट जो आपने चार्ज ट्रांसफर देखे वहां पर आपने देखा कि चार तरीके के आपने चार्ज ट्रांसफर देखे हैं, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू मेटल एंड लिगेंड टू लिगेंड. और आपने देखा जो एलएमसीटी है, अगेन आप बता पा रहे हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स क्यों इंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स इंटेंस क्यों नहीं है. दैट डिपेंड्स अपॉन, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है और जो मेटल है उसका नेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा. यानी एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा, जो एलएमसीटी एनर्जी गैप है उस पर डिपेंड करेगा. जितना कम गैप उतना आसान, उतना इंटेंस कलर, और जितना अधिक गैप उतना मुश्किल, उतना कम इंटेंस कलर. सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज ट्रांसफर दैट इज अकरिंग फ्रॉम मेटल टू मेटल एंड लिगेंड टू लिगेंड, एंड ऑल्सो अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एलएमसीटी ट्रांसफर. ओके, एलएम यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.